नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आपका एप्पल फार्मिंग महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे रेटलम गाला जो वैरायटी हमने ट्रायल बेसिस पर लगवाई है। कुछ पौधे देखिए, इसमें एक पौधे की आपको जो है तो प्रूनिंग कैसे करनी है रेटलम गाला की, तो उसका मैं डेमो देने आज बताने वाला हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले जो बागवान भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और ऊपर दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको ऑल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैंने इसमें इथरेल का स्प्रे किया था, देखिए तो इथरेल का स्प्रे करने के लिए आज 5-7 से 8 दिन हो चुके हैं। देखिए तो इसमें लीव्स जो है ये प्रॉपर देखिए ऐसा अच्छे से निकल रहे हैं, पीले होकर ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया और जो भी रहेंगे उस पर वो हम हाथ से रिमूव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पौधा कितना बड़ा हो चुका है, इसे अभी 2 ईयर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। इसमें बीम फॉर्मेशन भी देख सकते हैं आप, पिछले वर्ष हमने इसकी प्रूनिंग भी की थी, नॉर्मल प्रूनिंग की थी, तो अभी इस साल करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले तो ये मेन ब्रांच है, इसमें देखिए इस तरह से आपको ये देखिए बड फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकेंगे, यहाँ पर भी बड फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर भी बहुत सारा बड फॉर्मेशन है। ये इस साल में बड बने हैं, इसमें इतने बड डेवलप हुए हैं। रेडलम गाला वैरायटी में जो है आपको प्रूनिंग से ही बड फॉर्मेशन कराना होता है। जैसे इस तरह से मैंने पिछले वर्ष में यहाँ पर कटिंग की थी, देखिए यहाँ पर, यहाँ से 3-4 टहनियाँ निकली, एक यहाँ पर छोटा सा बीम फॉर्मेशन हुआ है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा। तो हम देखिए वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है इसमें उसे हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर भी बड़ फॉर्मेशन देखिए, ये भी बड़ बन गया है यहाँ पर। तो इस टहने में 2 और ये 3, इसे 3 बड़ फॉर्मेशन हो चुके हैं देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम इसे इधर स्टॉप कर देंगे, ये ग्रोथ में जा रहा है और ये शूट है, तो इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे इस तरह से। अभी देखिए और ये बाकी के पत्ते जो है हम इसे हाथ से निकाल देंगे। तो बागवान भाइयों, और इसमें जो वाटर शूट होते हैं ये देखिए नीचे से कितना भरा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी बीम फॉर्मेशन हुआ है ये देखिए, और ये यहाँ से शूट्स, जितने भी शूट्स हैं उन्हें हम रिमूव कर देंगे ये देखिए। ये देखिए इस तरह से, इसमें देखिए लॉन्ग बीम फॉर्मेशन अच्छे से हुआ है ये देखिए, ये पत्तों की वजह से आपको दिख नहीं पा रहा है क्लियर, बीम फॉर्मेशन इसमें भी बहुत बढ़िया हुआ है। हम इस तरह से इसके जितने भी वाटर शूट्स हैं वो सभी निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसमें सभी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो निकाल देनी है। और ये देखिए यहाँ पर भी है, तो ये भी शूट्स है, इनमें नेक्स्ट ईयर में बीमे बनेंगे या फिर टहनी निकलेगी। तो प्रूनिंग आपको इस हिसाब से करनी है, रेडलम गाला एप्पल में जो है बीम फॉर्मेशन बहुत कम होता है, नेचुरली बीम फॉर्मेशन जैसे कि एन और डोरसेट में होता है ना, उस तरह इनमें नहीं होता है, इसलिए आपको इसमें प्रॉपर प्रूनिंग की करने की आवश्यकता होती है। जैसे ये देखिए अभी जो मेन टहनी थी हमने इसमें बेंडिंग की थी, तो यहाँ से शूट निकला था, इसे हमने यहाँ पर कट किया था देखिए, तो अभी इसमें और ग्रोथ आ चुकी है, यहाँ पर बीम में बन चुके हैं लगभग 2-3, ये देखिए इस तरह से। तो हम इसे भी यहाँ से कट कर देंगे, इसमें जो शूट्स जितने भी शूट्स हैं हम उसे रिमूव कर देंगे
इसमें अभी ये देखिए यहाँ पर ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये बीम है, देखिए ये अभी न्यू, ये जो न्यू बीम है अभी वो तैयार हो रहा है। तो इस तरह से आपको बीम फॉर्मेशन कराना होता है। देखिए यहाँ पर भी हमने ये शूट्स में, इस पर शूट्स था पिछले वर्ष में, इस साल इसमें अच्छे से बीम फॉर्मेशन हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से बीमें बन चुके हैं इसमें। और आगे भी इसमें ग्रोथ में जा रहा है, तो इसे भी हम यहाँ से इस तरह यहाँ से आगे भी इसकी ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है। इस तरह से हमें इसमें प्रूनिंग करनी होती है। और ये मैंने इसमें रेडलम गाला में ही, देखिए रेडलम गाला ये जो इसका प्लांट है, इसमें ही मैंने ऐना की ग्राफ्टिंग की, ऐना जो हॉट क्लाइमेट में होता है वो, उसकी ग्राफ्टिंग की। देखिए उसके लीव्स भी पीले हो चुके हैं। और इसमें बीम देखिए आप, इस मैंने उसे ग्राफ्ट इस साल ही किया और इसी साल में उसमें देखिए कितने बीम बन चुके हैं। इतना डिफरेंस होता है एन्ना HRMN जो वैरायटी है हॉट क्लाइमेट के लिए, उसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग 7 बीम बन चुके हैं देखिए। और इसमें इस साल फ्लावरिंग भी आएगी मुझे तो लग रहा है। इसमें हम हेड बैग कर देते हैं, हेड बैग यानी कि इसमें ग्रोथ भी आएगी और फ्लावरिंग भी हो जाएगी। तो मेनटेन में देखिए जैसे यहाँ पर बीम बन चुका है, ये वाला बीम, ये रेडलम गाला का है। ये देखिए इस तरह से रेडलम गाला में बीम बनते हैं, वो उस पर बनाने पड़ते हैं। जैसे आप प्रूनिंग जिस तरह करेंगे उस तरह से आपको उसके बीम में अच्छे डेवलप हो जाएंगे। तो आशा करते हैं बागवान भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।